जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है बताइए भाई, क्या हाल है कमेंट सेक्शन में। तो मेरे पास है बोट एयर डोप 601 ANC TWS। एक्चुअली मैं आपको ये पता है कि बोट क्या करता है, म्यूजिक से रिलेटेड काफी सारे प्रोडक्ट आते हैं, मैंने भी कुछ प्रोडक्ट को टेस्ट किया हुआ है, काफी पॉपुलर भी है स्पेशली बजट की बात करें। और यहाँ पर बात करें भाई, बोट ने दो प्रोडक्ट भेजे मेरे पास, एक तो ये है, एक की वीडियो बाद में मिलेगी। सो ये वीडियो बोट के साथ कोलैबोरेशन में बन रही है, लेकिन इसके बारे में क्या कैसे दिया वो मैं आपसे शेयर करूंगा। फुल पंखा चला के इसमें हम लोग कूलिंग टेस्ट भी करेंगे। तो सामने प्रोडक्ट का नेम, कुछ फीचर्स और पीछे मेन फीचर्स मेंशन है, जिसके बारे में डेफिनेटली वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। इसको ओपन करते ही अंदर वारंटी कार्ड मिल जाएगा, साथ में ईयर टिप्स है, ये एक्वा कलर बोलते हैं ना इसको, जितना मैं जानता हूँ। स्मॉल और बड़े साइज के दो पेयर ऑफ टिप्स है, साथ में टाइप सी केबल है, यूजर मैनुअल और मेन TWS का चार्जिंग बॉक्स जिसके अंदर TWS निकलने वाला है। अगर फिजिकली बात करें, प्लास्टिक बिल्ड है और यहाँ पर ये मैट व्हाइट फिनिश के साथ आता है। ये चार लाइटें हैं भाई जो चार्जिंग को बताएगी, इधर टाइप सी का पोर्ट है, यहाँ पर एक रीसेट बटन है और इसका शेप थोड़ा सा आप देख सकते हो बॉक्सी टाइप और नीचे पतला ऊपर इस तरीके से शेप है। और हिंज का क्या हाल है, तो हिंज यहाँ से बाहर से प्लास्टिक की दिखाई दे रही, अंदर एक प्लेट डली हुई है मेटल की। और अगर आपको लगता है व्हाइट कलर गंदा होगा तो ब्लैक कलर में भी आता है, उसमें क्या होगा ना, जो ये TWS है ना वो भी कंप्लीट ब्लैक कलर में होगा। और इसको अंदर डालना है तो ये मैग्नेटिक है, ये देखते हैं कुछ उल्टा करके, ये इतना, और ये वाला भी मैग्नेटिक है। और बिल्ड क्वालिटी मैं कहूंगा कि यहाँ पर ठीक है, मतलब जिस हिसाब से प्राइसिंग की बात करें तो 3999 यानी कि 4000 रुपए 10th of January से मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेकिन एक कूपन दिया होगा, आपको लिंक भी दिया होगा, GT10, ये अप्लाई करने से 10% डिस्काउंट है। लाइट वेट है और अगर इसकी फिटिंग की बात करें तो इजिली फिट हो जाता है, बाहर तो नहीं आएगा। जिस हिसाब से इसकी फिटिंग है ना, वो है ना इन ईयर वाला है ना सिस्टम, तो दिक्कत नहीं होती बाहर आने की। सो फिटिंग काफी सिंपल है, यहाँ पे सिंपली आपको कान में लगाना, हल्का सा ट्विस्ट करना है, उसके बाद ये फिट हो जाता है और कान से बाहर तो नहीं आया, मैंने जितना टेस्ट किया इसमें दिक्कत नहीं हुई। इन ईयरबड्स का ये फायदा हो जाता है, और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक लाइट जलेगी, देखना ये लाइट जल रही ना, और ये ना मतलब दोनों पे जलती है, ये स्ट्रेट लाइन जो आप देख रहे हो ना ये एक सेंसर है, इसके अंदर स्वाइप जेस्चर का काम करता है। ये कनेक्ट करना सिंपल है, इसको बाहर निकालोगे तो आपका फोन ही खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। ब्लूटूथ वर्जन 5 के साथ आता है ये। अब मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से ये जेस्चर काम करता है इसका। जैसे राइट वाला अगर आप यूज करते हो और अगर इसको आप ऊपर स्वाइप करते हो तो वॉल्यूम अप होगा, तो इसमें स्वाइप जेस्चर दिया हुआ है, देखो नीचे करते हो तो वॉल्यूम डाउन होगा, और वहीं पे लेफ्ट वाले में नीचे करते हो तो नेक्स्ट सॉन्ग, ऊपर करते हो तो पीछे वाला सॉन्ग। और ये चार्जर से नीचे नीचे मिलेगा, तो स्वाइप जेस्चर मैंने देखा इसमें दिया हुआ है, नॉर्मली इस रेट के TWS वगैरह में नहीं आते। उसके बाद अगर आपको म्यूजिक को रोकना है तो डबल टैप दोनों में से किसी पे भी कर दो, और अगर इसको लगातार प्रेस करके रखते हैं लेफ्ट वाले को तो ये आपका गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा। आईफोन में भी मैंने चेक किया सेम फीचर काम करते हैं, बट वहां पर सीरी एक्टिवेट हो जाएगी। वहीं पे अगर इसको प्रेस करके रखते हैं तो इसमें 3 मोड मिलते हैं आपको अलग अलग, जैसे ये मैंने प्रेस किया तो अभी नॉइस कैंसिलेशन एक्टिवेट हो चुका है। 3 मोड मिलते हैं, नॉर्मल, नॉइस कैंसिलेशन और एम्बिएंट मोड, और एम्बिएंट में जो आसपास चल रहा होगा वो सारी आवाज आपको सुनाई देंगे। वहीं पे अगर ऑफिस में हो या फिर जिम में हो तो ANC मोड एक्टिवेट करके आसपास का जो नॉइज होता है ना वो नहीं आता। वैसे ANC को मैं समझाना चाहूंगा कितना काम करता है और होता क्या है, आपको पता ही है। जैसे ये है ना हमारे पास, इसमें मैं इतनी साउंड आ रही है ना, ये तो ये साउंड सिमिलर फ्रिक्वेंसी पे, एक प्रॉपर फ्रिक्वेंसी से साउंड आ रही है। वहीं पे ये फ्रीक्वेंसी प्रॉपर नहीं है, ये मतलब बीच में एकदम से आ रही है, इसको तो नहीं कट कर सकता। और ये सबके साथ है, मतलब जो एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड आती है, जैसे फैन चल रहा है आपके रूम में, AC चल रहा है, उसको कट करता है। ये कितना एक्चुअल में काम करता है प्रैक्टिकली, इस साउंड को सुन रहे हो ANC मोड में ये नहीं सुनाई देता इतनी साउंड। यानी कि अगर पंखा चल रहा 2 से 3 नंबर तक उसको कट कर देगा, फुल 4 नंबर पर चलाओगे थोड़ा थोड़ा आएगा, या फिर AC नॉइज कट करके आप शांति से चाहें भाई गाना नहीं सुनना तो भी ANC मोड एक्टिवेट करके चुपचाप शांति से आप रेस्ट कर सकते हैं। बस भाई बंद हो जा। तो टोटल 6 माइक मिलते हैं, पता कैसे, जैसे एक माइक यहाँ, एक माइक यहाँ, एक इनर मोस्ट माइक है, 2 कॉलिंग में यानी कि ENX कंट्रोल करता है, 1 माइक यूज करता है यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन के लिए। अब मैं आपको ENX का प्रैक्टिकल टेस्ट दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे नॉइस को कट करने में, और ANC मैंने आपको समझा दिया प्रैक्टिकली। और ANC आप नॉर्मल भी ऐसे लगा के मतलब ऑन कर लो तो आसपास का नॉइस कट कर लेगा, या फिर म्यूजिक सुनते हुए इसको ऑन कर सकते हैं, कितना कट कर देगा वो मैंने आपको बता दिया। बट इस जिस प्राइस में ये आ रहा है 4000 रुपये में, इस रेट में ऐसे कोई टॉप क्लास के ANC प्रोडक्ट नहीं मिलते, सिर्फ ये ब्रांड नहीं कोई भी नहीं दे पाएगा। तो ANC एक प्लस पॉइंट है आपको, लेकिन बाकी फीचर्स भी देखने बाय करने के लिए। और अब नंबर है कॉलिंग टेस्ट करने का, फिर म्यूजिक की भी बात करते हैं। ये रूम थोड़ा खाली खाली है, एको आएगी, लेकिन पंखा टेस्ट करना ना हमको। लेकिन ये अभी आप बिना फैन ऑन किए इस TWS से आवाज सुन रहे हो,
और अभी पंखा ऑन करते हैं, और अभी मैं कॉन्टिन्यूस बोल रहा हूँ, दोनों फैन ऑन हो चुके हैं फुल स्पीड पे, तो अभी आपको पता लग जाएगा मेरी साउंड किस तरीके से जा रही है। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट डिफरेंस मिलेगा। मैं अभी क्या करता हूँ, आप सुन रहे हो मेरे फोन के माइक से साउंड, तो ये फर्क है, ये फोन के माइक का है और ये अब सुन रहे हो आप TWS से साउंड, तो कुछ इस तरीके से एक फर्क देखने को मिलता है अखंड लग रही है। तो यहाँ पे इसकी कॉलिंग क्वालिटी सच में अच्छी है, आपको सुनाई दे गया होगा डिफरेंस, तो मुझे लगता है कि किसी को कॉलिंग में दिक्कत आने वाली है इससे। और अभी नंबर है इसका भाई, म्यूजिक आउटपुट कैसा है। बाय द वे अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको आप अगर आप लगाते हैं तो म्यूजिक प्ले हो जाएगा, बाहर निकालते हैं तो म्यूजिक रुक जाता है। तो वेयर डिटेक्शन के साथ भी आता है और IPX4 के साथ भी आता है। 4 मतलब यहाँ पे स्वेट रेजिस्टेंस, मतलब ऐसे पानी में डुबाना नहीं है। 10 mm ड्राइवर के साथ आता है। लाउडनेस काफी ज्यादा है, मुझे लगता है आपको 70% से ऊपर जाने की जरूरत पड़ने वाली है, तो लाउडनेस में कोई कमी नहीं है। बेस का क्या हाल है, बेस के लिए मैं कहूंगा काफी ज्यादा है इसके अंदर, बेस मतलब अच्छा मिल जाएगा, तो जिनको बेस पसंद आता है भाई डेफिनेटली उनको पसंद आएगा। लेकिन ट्रेबल इसमें कम है, अब ट्रेबल कम है तो उसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन दब जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन थोड़ा सा पीछे है। तो आई होप आपको म्यूजिक का भी आइडिया लग गया होगा, ये इसके वैसे टोटल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। डेफिनेटली गेमिंग अगर आप करते हो BGMI वगैरह, तो आपको सारे ब्लूटूथ हेडसेट में एक लेटेंसी फील होती है, वो वायर वाले के कंपैरिजन में उसका मुकाबला नहीं होता। बैटरी लाइफ इसकी काफ़ी अच्छी है, 28 आवर्स तक का बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है। एक बार चार्ज करोगे तो TWS आपका 5.5 घंटे के आसपास चलेगा बिना ANC मोड के, उसे ऑन कर लोगे तो कम हो जाएगा बैटरी बैकअप, और 3 बार चार्ज करता है, तो मतलब अगर आप ANC के साथ भी सुनते हो तो आपको 20 घंटे से ऊपर मिलना चाहिए। और भाई क्विक चार्ज वाला सिस्टम भी, अगर आप मतलब जल्दबाजी में है और बैटरी एकदम जीरो हो चुकी है तो 5 मिनट भी चार्ज करते हैं तो आपको लगभग 1 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे सकता है ये। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, अगर इसकी समरी बताऊं तो बैटरी बैकअप अच्छा है, यहाँ पर इसका स्वाइप जेस्चर अच्छे काम कर रहा है, लाउडनेस अच्छी है, बेस काफ़ी अच्छा मिलता है जिनको पसंद आता है। हाँ, ट्रैवल की मुझे कमी लगी, तो मूवीज़ वगैरह देखते टाइम ये चीज़ फील होता है, और साथ में ANC मिल जाता है, वो मैंने आपको शेयर किया कैसे काम करता है। और बोट की अपनी लैब भी है जहाँ पे ANC टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं फिर म्यूजिक रिलेटेड डे बाय डे इम्प्रूव करने के लिए, और कॉलिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिली। तो ये था इसका एक क्विक समरी, और ये था कंप्लीट एक क्विक रिव्यू बोलना चाहूँगा मैं विद यहाँ पर फीचर्स। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।